हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज आज आपके सामने मैंगो स्पेशल की रेसिपी लेकर आई हूं, जो विदाउट फायर की रेसिपी है। चार तरह की रेसिपी मैं शेयर करूंगी। एक है क्रीमी वाइट मैंगो वाइट, और एक है मैंगो स्मूथी और मैंगो केक। चलिए मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हूं। चलिए मैं क्रीमी वाइट की रेसिपी स्टार्ट बना रही हूँ। चलिए देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ, आगे का प्रोसेस आप देखें। सबसे पहले इसमें ये मैंगो पल्प डालिए, ये कटिंग वाली मैंगो। ये मैंने क्या किया, मैंगो को कुछ छील के बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें कटिंग मैंगो का पहले मैं लेयर डाल रही हूँ, देखिए बहुत कम कटिंग मैंगो डाली हूँ। और इसमें वैनिला, जो वैनिला का आइसक्रीम है आप देख सकते हैं, चोको वैनिला आइसक्रीम मैं यूज करूँगी। बताऊँगी मैं कैसे यूज करूँगी। तो चलिए उसके बाद मैं इसके अंदर इस तरह से क्रीम को डाल रही हूँ। इस तरह से क्रीम को डालूँगी, देखिए इसके बाद थोड़ा सा मैंगो पल्प भी मैं पहले से ही बनाकर तैयार कर चुकी थी। मैंगो को छील कर उसे बारीक बारीक काट कर मैंने ग्राइंडर में चला लिया था, तो इस तरह का पल्प बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद मैं ये वैनिला आइसक्रीम दूंगी, देखिए इस टाइप से गिरा दीजिए। उसके बाद ढेर सारा ये डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। देखिए क्रीमी वाइट बनकर तैयार हो चुका है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, आप गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकती हैं। तो चलिए अगला रेसिपी मैंगो वाइट रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, वाइट बनाने में जा रही हूँ। ये बिस्किट से बनेगा, ये वाली बिस्किट है मिल्क बिस्किट, ये इसका नाम मिल्क बिकीज है। अब इसको ऐसे ऐसे तोड़ दीजिए, आप कोई और भी बिस्किट ले सकते हैं, वो बिस्किट मीठा बिस्कुट होना चाहिए। चलिए देखिए इस तरह से मैंने 7 बिस्किट्स को तोड़कर डाल दिया है। अब इसको मैं ग्राइंडर में चलाकर इसका चूरा बना लेती हूँ, देखिए इस टाइप का बना लीजिए। अब सबसे पहले इसमें मैं मैंगो पल्प डालूंगी, इस तरह से मैंगो पल्प दीजिए सबसे पहले। इसके बाद ये क्रीम डालिए, इस तरह से फैला दीजिए क्रीम को। अब मैं इसके ऊपर से ये बुरादा डाल देती हूँ बिस्किट का, ये भी रेसिपी काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। अब इसका लेयर फिर डिफरेंट टाइप से देना होगा। अब इसके ऊपर मैंगो पल्प डालिए इस टाइप से, ऊपर आकर के लेयर की कुछ चेंज कर दी हूँ मैं।
इस टाइप से। अब इसके ऊपर फिर से मैं बिस्किट डाल रही हूँ। फिर से बिस्किट डाल दी हूँ। अब इसके ऊपर से मैं क्रीम डाल रही हूँ। देखिए मैं फूड कलर बनाई हूँ, ये है। इसको मैं एक मैंगो का पल्प निकाल करके और उसका रस को मैं मलमल के कपड़े से छान ली हूँ, तो नेचुरल फूड कलर तैयार हो गया। अब इस तरह से मैं इसे डेकोरेट करती हूँ। देखिए बनकर तैयार हो गया है मैंगो वाइट। अब मैं आपको तीसरी रेसिपी बताने जा रही हूँ। से मैं आम को पील कर रही हूँ। अब मैं मैंगो से स्मूथी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सारे मैंगोज को पील कर लिया। अब इसको कट करके बारीक बारीक पीस में आप काट कर दें। मैं कट करके बताती हूँ। अब इसमें शुगर ऐड कर दीजिए। देखिए इसमें मैं शुगर ऐड कर दी हूँ। अब ये चिल्ड दूध मैं डाल रही हूँ। ये मेरा हाफ गिलास दूध है। मैं अपने गिलास को दिखाऊंगी। गिलास से हाफ गिलास दूध मैंने इसमें डाला। देखिए चोको वैनिला आइसक्रीम है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। ब्लेंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मैंगो पल्प में थोड़ा सा क्रीम मिला करके इसे मिक्स कर रही हूँ। अब इसे इस तरह से अब ये देखिए तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से मैंगो स्मूथी तैयार हो चुका है। अब मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। अब मैं इसे वैनिला आइसक्रीम से ही थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। और थोड़ा सा मैं मैंगो कट करके रखी हुई थी उसे डाल देती हूँ। तो देखिए मैंगो स्मूथी बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं अपनी चौथी रेसिपी पर आती हूँ। देखिए ये मेरा होममेड क्रीम है जिसको मैं घर में तैयार की हूँ। इसमें अब मैं ये फूड कलर मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा योली सूप। और ये शुगर सिरप है, इसमें भी मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं केक बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रेड के साइड वाले पार्ट को कट करके निकाल दिया है। आप रुको,
देखिए इस ब्रेड के साइड पार्ट को मैं कट करके हटा दी हूँ। मेरे पिछले रेसिपी में आप देखिएगा कि मैं कैसे इस के ब्रेड के साइड पार्ट को हटाई हुई हूँ। अब मैं सबसे पहले क्रीम को दे रही हूँ। इस तरह से मैं क्रीम फैला रही हूँ। मेरा ब्रेड कुछ छोटा है, अब बड़े साइज़ का भी ब्रेड ले सकते हैं। अब इस पर मैं ब्रेड डाल रही हूँ। अब मैं ये शुगर सिरप को हल्का सा स्प्रेड कर रही हूँ। आपके पास अगर ब्रश हो तो आप उसकी सहायता से स्प्रेड करें। अब मैं क्रीम डाल रही हूँ। इस टाइप से अब मैं मैंगो का पल्प डाल रही हूँ। इसको हल्की मात्रा में डालिएगा। फिर से मैं एक ब्रेड डाल रही हूँ। फिर से मैं इसमें शुगर सिरप डाल रही हूँ। इस वाले लेयर में मैं पल्प को पहले डाल रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस लेयर में मैं मैंगो पल्प को पहले डाल रही हूँ, उसके बाद मैं क्रीम को डालूंगी। फिर से मैं मैंगो पल्प दे रही हूँ। इसकी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसमें दो ब्रेड लगा चुकी हूँ, ये तीसरा ब्रेड है। इस तरह से डालिए। अब फिर से शुगर सिरप डालिए। इस बार क्रीम को पहले लगाइए। तरह से फिर मैंगो पल्प डालिए। अब अगेन ये चौथी ब्रेड लगाइए। अब फिर से चॉकलेट सिरप डालिए, शुगर सिरप डालिए। अब मैंगो पल्प डालिए। क्रीम डालिए। फिर पांचवा ब्रेड डाल रही हूँ मैं। शुगर सिरप, क्रीम,
केक भी काफी टेस्टी लगता है। ये छठा ब्रेड है, शुगर सिरप, क्रीम, और ये मैंगो पल्प। मैं इसके साइड से मैं शुगर सिरप लगाकर हल्का सा मैंगो पल्प डालकर इस तरह से इस टाइप से मैं साइड से फिर अगेन में क्रीम लगा रही हूँ। इसके बाद में इसमें ब्रेड डाल रही हूँ और ये शुगर सिरप है, इधर से भी शुगर सिरप। इसमें दो बार मैंगो का पल्प लगेगा, देखिए। अब इस पर मैं क्रीम स्प्रेड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से क्रीम को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कीजिए। हल्का सा मैंगो पल्प को डालते हुए जहाँ से ब्रेड थोड़ा बड़ा लगे उधर से कट कर दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने क्रीम और मैंगो से इसको कवर कर दिया है। अब इसकी प्लेट को मैं डेकोरेट करने जा रही हूँ। ये होममेड पाइपिंग बैग है,
जिसको मैं खुद से बनाई हूँ। देखिए इस तरह केक तो तैयार हो चुका है। थोड़े बच्चों को लालच देने के लिए मैं इसे जेम से डेकोरेट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से केक तैयार हो चुका है। आप बर्थडे पार्टी वगैरह पर भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं बर्थडे इस केक के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए ये सारी रेसिपी मेरी तैयार है, आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।